नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कल एक नोटिस दिया था। नोटिस हालांकि उसने हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और कमशाला कर्मचारी के लिए दिया था। उसने एक निविदा के लिए जो एजेंसीज होती हैं उनके लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात कही और आने वाले आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें, चाहे हेड ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर की बात करें, या फिर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, या आने वाले यूपीएसआई एएसआई की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, क्योंकि अब जो धांधली हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, सेंटर से पेपर निकल जा रहे हैं, उन पे कैप लगाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। और आज का सेशन इसी के लिए है ताकि आप लोग पहले से तैयार हो जाओ, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विभिन्न परीक्षाएं कौन कौन सी और किस किस महीने में अब निकाल रही है, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। तो पूरा वीडियो आप इतना से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बड़ा बदलाव ये किया है कि ये अब सारे पेपर हाइब्रिड मोड में होंगे। हाइब्रिड मोड में क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि हाइब्रिड मोड में करने से ये जो पेपर आउट होता था उस पे रोक लगाएंगे, धांधली पे रोक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये अभी कल का ही है, 11 मई का, और जिसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उक्त तीनों पदों के लिए, यहाँ पे तीनों पद मतलब कि हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर में हमें असिस्टेंट और हेड और जो कमशाला कर्मचारी है उसके लिए बात कर रहे हैं, 2430 पद जिसमें है लगभग, इनमें हाइब्रिड जो बोल रहा है, अंतर्गत लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से कराई जाएगी। तो जो आपकी लिखित परीक्षा है वो हाइब्रिड मोड से होने का मतलब क्या है, जिसकी प्रक्रिया आरएफक्यू में वर्णित की गई है। आरएफक्यू मतलब जो नीचे इन्होंने अपेंड किया है, किसके लिए, जो एजेंसीज हैं जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित किए थे एजेंसीज के लिए कि आप आओ और यहां पे करो। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने पड़े हैं ये बात आप जान लो कि 120 यहां पे पोस्ट आपका वर्कशॉप के लिए है, 1374, 936 और तीनों के सापेक्ष, इसकी सापेक्ष 73,000, सबसे ज्यादा 3,89,711 पद पड़े हैं असिस्टेंट के लिए, और हेड के लिए 76,516 पद पड़े हैं, मतलब टोटल 5,39,841 पद पड़े हैं, जो अगर देखा जाए स्पेशल कैटेगरी में ठीक ठाक नंबर संख्या, बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। और इसमें लगभग 70-80% लोग वहां पे जाएंगे, पेपर देंगे भी, मतलब लगभग 4 लाख बच्चे तो कम से कम पेपर देंगे, इसको मैं बता रहा हूं। हालांकि मैं जो हाइब्रिड मोड आपको बता रहा हूं उसको देखो, यहां पे क्या लिखा है, हाइब्रिड मोड में होगा क्या, हाइब्रिड मोड क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर मशीन एंड कैंडिडेट हैज टू मार्क हिज आंसर इन ओएमआर सीट। मतलब कि ये इन शॉर्ट अगर आप समझो तो आपको जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। पेपर क्या होगा? ऑफलाइन मोड में होगा, किस हिसाब से, ओएमआर बेस पे। और जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन पेपर वो आपका ऑनलाइन होगा। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब आपके पास जो सिस्टम होगा उस सिस्टम में क्या होगा, पेपर डिस्प्ले होगा। अभी तक क्या होता था कि जब आप ऑनलाइन मोड में पेपर देने जाते थे तो क्वेश्चन दिखता था, क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प होते थे, उनको आपको क्लिक करके चूज करना रहता था, आगे बढ़ना रहता था, स्किप करना रहता था या फिर सबमिट करना रहता था। अब ये क्या करेंगे, अब आपका क्वेश्चन जो पैलेट रहेगा, सपोज करो ये कंप्यूटर आपकी स्क्रीन है, यहां पे आपका क्वेश्चन पैलेट दिखाई देगा, यहां पे आपके डिफरेंट 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 क्वेश्चन वो रहते हैं, ये सेक्शन आपका किसका दिखाई देगा, ये सेक्शन आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, ये नेक्स्ट रहेगा, ये सबमिट का तो इसमें रहेगा ही, केवल नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन ये लोग यहां पर देंगे। अब नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन देने से यहां पे आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब एक बार में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, और आप क्या करोगे, आप अपनी ओएमआर, आपको ओएमआर कॉपी दी जाएगी, ओएमआर कॉपी में आपको अपना वो गोला क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। मतलब पेपर आपका क्वेश्चन ऑनलाइन दिखेगा और आप जो उसका आंसर फिल करोगे वो ऑफलाइन मोड में फिल करोगे। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिला दिया गया, इसी को बोल दिया गया ये क्या है, ये आपका हाइब्रिड मोड है। इससे फायदा क्या होगा, पहले क्या होता था, पेपर छपता था तो छपने के मोड में एजेंसी से ही पेपर आउट हो जाते थे, है ना, या फिर क्या होता था, कई बार विभाग आते आते उसकी गोपनीयता नहीं रह जाती थी, या कई बार क्या होता था कि वहां पे प्रश्न पत्र से कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो ब्लूटूथ लगा के या फोटो लगा के या समथिंग लगा के, कैमरा लगा के, कुछ बहुत सारे तरीके जो होते थे उससे हो जाता था। अब क्या होगा, अब ये जो क्वेश्चन होगा ये सेंटर पे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, जब आपका टेस्ट स्टार्ट होने रहेगा तब ही जो सेंटर्स होते हैं वहां पे पेपर अपलोड होगा। मतलब कि ये नहीं कि पहले से पेपर वहां पे है और उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंटर को आधा घंटे पहले दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि वहां पे जो सेंटर से पेपर लीक होता था वहां पे तो कैप लग जाएगा।
अब जो पेपर बना रहे जो एजेंसी यहां पे निविदा पे यहां पे करके बिड जीत जाए और एजेंसी ही लीक कर दे, तो उसके लिए तो भाई मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए भर्ती बोर्ड है और उसने क्या बोला है कि अगर ऐसे कुछ पाई जाती है तो आपको इसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, वो बोर्ड की बात है। बट अभी तक जो हमारे सामने आता था कि पेपर ऐसा हो जाता था वहां पे कैप लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिड मोड हो जाएगा। और ये आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे अभी मैं बता दूं, सबसे पहले आपका कौन सा पेपर होने वाला है, सबसे पहले पेपर जो आपका होगा वो तो रेडियो ऑपरेटर का ही होगा। रेडियो ऑपरेटर में जो तीनों ही पद हैं, तीनों पद के एक चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि तीनों ही पद के पेपर अलग अलग बनेंगे, एक ही पेपर नहीं होगा, तीनों की एलिजिबिलिटी अलग थी और पैटर्न अलग है। तो आपका सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का होगा, इसके बाद आपका कांस्टेबल भर्ती होगा। और कांस्टेबल भर्ती कौन सी होगी ये भी मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल में जो स्पोर्ट्स कोटा वाला है 340 पद समथिंग करके, इसकी आपकी वैकेंसी जो जून में आपका फॉर्म आ जाएगा, मतलब कि जून के फर्स्ट वीक में ही, 1 से 5 जून के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा और स्पोर्ट्स कोटा से वो भरे जाएंगे और उनका मुश्किल से 2 महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट भी करवा ली जाएगी। इसके बाद जो आपका पद है वो आपका कांस्टेबल जो 37,000, ये 385 स्पोर्ट्स कोटा वाला बोल दूं, इसे मैं स्पोर्ट्स कोटा लिख दे रहा हूं। उसके बाद जो कांस्टेबल आपका 37,000 जो पद बोल रहे हैं पीएससी वगैरह मिला के, इसके लिए आपका फॉर्म आएगा। फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर इसके साथ ही आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है इन दिनों के बीच में आ जाए या कांस्टेबल वाले के साथ आप में कंप्यूटर ऑपरेटर का भी फॉर्म आएगा। और यही नहीं, एक वैकेंसी आपकी और रुकी हुई है, कौन सी, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार है, वो आपका क्या है, यूपीएसआई और एएसआई के फिर से 800 और कुछ पद यहां पे कुछ आ रहे हैं, लगभग दोनों मिला दिया जाए तो 1500 पद 1800 पद सब मिला के आ रहे फिर से। तो ये वैकेंसीज आपके आगामी महीने में, वर्ष भी नहीं बोलूंगा, वर्ष 2023 में संपन्न होने वाली है, जिसके लिए भर्ती बोर्ड से पूरा का पूरा क्या हो रहा है वहां पे, अब काम तेजी से हो गया है। यहां पे अभी आचार संहिता लगी हुई है, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है इन छोटे चुनाव का, बट फिर भी एजेंसी जो होती है या बोर्ड होते हैं वो थोड़ा सा काम ढीला हो जाते हैं क्योंकि उनके विभाग के लोगों की ड्यूटी लगी होती है। अब उन चीजों में कहीं ना कहीं फ्री हो गए हैं, तो अब 3-4 दिन से, मतलब बोल सकते हो 15 मई के बाद काम इसमें तेजी से होगा और 21 मई के बाद से आपको चीजें सुनाई देने लगेंगी। और एक बात और क्लियर है, जब आएगा तो अचानक से सारी चीजें बैक टू बैक आएगा क्योंकि बैकएंड में इसका सारा काम हो रहा है, इस बात को क्लियर रखो। तो अब आपको करना क्या है, हालांकि जो परीक्षा का पैटर्न बदला है उससे आपको बहुत लेना देना तो नहीं है, वो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको करना यह है कि अपनी तैयारी जारी रखनी, अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दो। हिंदी हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, है ना, मानसिक अभिरुचि हो गया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में कॉमन है। जीएस हो गया, जीएस में भी आप स्टैटिक पार्ट में ज्यादा पढ़ते रहो, और मैथ्स हो गया जिसमें अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन पार्ट ज्यादा पढ़ते रहो। इतनी तैयारी अगर आप अभी धीरे धीरे करते रहोगे, वार्म अप करते रहोगे, तो भी आप एक सही जोन में चले जाओगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, भर्ती बोर्ड से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में सबसे जो सटीक जानकारी देती है टीम, वो परीक्षा प्लस ही है। और मैं चाहूंगा आपका जो विश्वास हम लोगों ने जीता है इसे ऐसे ही कायम रखें और सारी जो इंफॉर्मेशन आप तक लाएं वो एकदम सटीक हो और जो बात बताएं वैसा ही आपके सामने आए, भी अभी तक हुआ है तो ये भी होगा। चलिए बाकी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन पुश करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको मैं बता पाऊं और आपके तक वो तुरंत ही पहुंच पाए। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।